हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल शोबन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस बजाज कंपनी के 9 वाट के बल्ब को रिपेयरिंग करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें समस्या ये है, ये बहुत ही धीमा जल रहा है। दोस्तों, ये हमारी सीरीज लैंप है, आपको मैं एक बार इसमें चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सीरीज लैंप है और इसमें मैं इस बल्ब को आपको दिखाता हूँ जला के कि किस तरह से जल रहा है। ये देखिए दोस्तों, लाइट ऑफ करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों, इसको आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही LED बल्ब से रिलेटेड वीडियो हमारे इस चैनल में आपको मिलती रहेगी। दोस्तों दोस्तों, इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इस कैप को उतार देंगे। कैप को उतारने के लिए मैंने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल में, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। दोस्तों, मैं जल्दी से इस कैप को उतार देता हूं। ये देखिए दोस्तों, हमारी कैप उतर चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इसको देखेंगे गौर से, इसमें कोई LED SMD खराब तो नहीं है। दोस्तों, देखने पर तो सारी LED अच्छी लग रही है। दोस्तों, देखने पर तो पता नहीं चल रहा, सारी SMD अच्छी है और फ्रेश लग रही है, बिल्कुल सही भी लग रही है। दोस्तों, चलो एक बार हम ये वाले को एक बार शॉर्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा धब्बा सा बना पड़ा है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के लिए दोस्तों क्या है, सिंपल सा हमें एक चिमटी चाहिए। चिमटी से दोस्तों हम इसको शॉर्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा बल्ब ग्लो कर गया, यानी कि हमारा जो अंदाज़ा था वो सही निकला, ये बल्ब हमारा ख़राब है। तो दोस्तों, या तो हम इस SMD को चेंज कर देंगे या हम इस प्लेट को चेंज कर देंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम कर लेंगे क्या, आज सिंपल सा तरीका है, हम इसको निकाल के, ये SMD को निकाल के यहाँ से इसको हम शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने के बाद भी दोस्तों अच्छा चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उतनी अच्छी लाइफ भी इसकी नहीं रहेगी, लेकिन सही चलेगा फिर भी। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे हम, और दोस्तों इसको कर देंगे सोल्डिंग। ये हमारी सोल्डिंग हो गई दोस्तों, हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बहुत अच्छा ग्लो करने लग गया है। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपने घर में पड़े खराब LED बल्ब को मात्र कुछ ही खर्चे में आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।